नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप YouTube वीडियोस बनाते हैं और उसमें दोस्तों आप जो है आई बटन का प्रयोग करना नहीं जानते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जो है अपने YouTube वीडियोस में आई बटन कैसे लगा सकते हैं। आपके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है एंड गाइस सिंपली वहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर YouTube यहाँ पे निकाल लेना है। आपको YouTube निकाल लेने के बाद में आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर डेस्कटॉप साइट का एक बटन देखने को मिल जाता है, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। एंड वहाँ पर क्लिक कर देने के बाद में आपका जो यहाँ पर YouTube का जो होम पेज होगा वो यहाँ पर डेस्कटॉप ब्राउज़र में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सिंपली गाइस आपको यहाँ पर YouTube स्टूडियो को यहाँ पर खोल लेना है। जैसे ही दोस्तों आप YouTube स्टूडियो को यहाँ पे खोल लेते हैं क्रोम ब्राउज़र के अंदर में, उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब गाइस आपको यहाँ पर वो वीडियो निकाल लेनी है जिस पर दोस्तों आप जो है आई बटन का प्रयोग करना चाहते हैं, आई बटन को यूज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो है उस वीडियो पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों मैं वीडियो पर क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आने के बाद में आपको दिख रहा है एंड स्क्रीन एंड आई कार्ड। यहाँ पर दोस्तों आई कार्ड पर आपको क्लिक कर लेना है एंड सिंपली वहाँ पर क्लिक कर देने के बाद में आपकी ये जो वीडियो है वो इस तरीके से देखने को मिल जाती है। जैसे इसके बाद में आप जो है यहाँ पर कई तरीके से आई बटन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों वीडियोस लगा सकते हैं आई बटन में, प्लेलिस्ट लगा सकते हैं और यहाँ पर चैनल जोड़ सकते हैं, या फिर दोस्तों किसी भी आप जो है अदर कोई भी लिंक जोड़ना हो तो उसे भी आप जोड़ सकते हो। एंड देन यहाँ पर मैं दोस्तों आपको वीडियोज़ को यहाँ पर आई बटन में ऐड करके दिखाऊँगा। तो आपको सिंपली वीडियोस पर क्लिक कर लेना है और दोस्तों उस वीडियो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है जिस वीडियो को आपको आई बटन में यूज़ करना है। तो दोस्तों अब जो है मैंने उस वीडियोस को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद में अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है टीजर टेक्स्ट एंड कस्टम मैसेज। तो दोस्तों इसमें जो है आप कस्टम मैसेज अपने द्वारा टाइप कर सकते हैं जिससे दोस्तों आपकी जो ऑडियंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ इंगेज रहे और वो देखने के लिए बेताब रहे और आपकी ये वीडियो लगातार देखते रहे। सो गाइज यहाँ पर दोस्तों मैं थोड़ा स्लाइड करके नीचे आ जाता हूँ एंड आपको यहाँ पर ब्लू कलर का एक टिक देखने को मिल रहा है, तो इसको आपको यहाँ पर स्लाइड कर देना है यहाँ पर इस तरीके से और ये वहाँ पर आपकी आई बटन लग जाएगी। इस तरीके से गाइज आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एंड देन मैं जो है अब आपको थोड़ा और डिटेल में समझाना चाहूँगा। मैं प्लस के आइकन पर क्लिक करता हूँ, कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, प्लेलिस्ट, वीडियो एंड चैनल। तो दोस्तों मैं जो है अब इसे चैनल में भी यहाँ पे मैं जो है चैनल को भी सर्च करके यहाँ पर मैं आई बटन में लगाऊंगा। तो चैनल पर सर्च करने के बाद में मैं मान लीजिए अपना चैनल लगा देता हूँ इस तरीके से। अब गाइस देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों मेरा चैनल आ गया है और उसे दोस्तों मैं जो है यहाँ पर लगा देता हूँ। अब इसे लगा देने के बाद में अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। अब गाइस यहाँ पे ये जो है मेरा यहाँ पर चैनल यहाँ पर जुड़ चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको सेव कर लेना है एंड सिंपली गाइस आपकी ये जो आई बटन है वो सेव हो जाती है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर मैं इसे चलाकर दिखा देता हूँ। सिंपली गाइस अब आपको बैक आने के बाद में यहाँ पर YouTube को ओपन कर लेना है एंड गाइस उसी वीडियो को मैं जो है ओपन करूँगा जिस पर दोस्तों मैंने आई बटन का प्रयोग किया था। यहाँ पर दोस्तों मैं जो है वो लिंक यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, उसका लिंक हमने कॉपी कर लिया था। यहाँ पे जैसे ही मैं सर्च करूँगा तो वो वीडियो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जैसे ही दोस्तों आप जो है वीडियोस पर क्लिक करते हैं, वीडियो को क्लिक करने के बाद में आपकी जो है ये वीडियो देखने को मिल जाती है। अब सिंपली गाइस आपको थ्री डॉट पर क्लिक कर लेना है, वहाँ पर जाने के बाद में एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है तीसरे नंबर पर, यहाँ पर आई का बटन आपको देखने को मिल रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों लिखा है आई फ्रॉम अजीत मोनिटर, जो चैनल का नाम है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। वहाँ पर क्लिक कर देने के बाद में अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो आई बटन यहाँ पे यूज की थी वो आप देख सकते हैं, हमने एक चैनल लगाया था और एक वीडियोस लगाई थी। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप आई बटन का प्रयोग कर सकते हैं। सिंपली गाइस आपको यहाँ पर चैनल पर क्लिक कर लेना है। अब गाइस देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जा रहा है। तो अब गाइस आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब कर देने के बाद में आपको यहाँ पर बेल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना है और इस तरीके से जो आपकी आई बटन है वो सक्सेसफुल ऐड हो जाएगी। अब गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरीके से आप जो है आई बटन का प्रयोग
कर लेंगे। सो आई होप आपको इस वीडियो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया होगा कि दोस्तों आप आई बटन का यूज कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से ऑन कर दीजिए। तो गाइस मिलते हैं किसी दूसरी नई वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।